वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे गॉब स्टिंग के बारे में, जिसे आग की गैस भी कहते हैं। तो आग की गैस क्या होती है और खान में ये कहां से आती है या कैसे बनती है? खान के गॉफ में कोयले का स्वतः तपन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलते हैं, होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे खूनी गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प बनती है। आग तेज होने पर धुआं व कोलतार के गंध वाली गैसें इसे निकलती हैं। इसमें पोजा गैस होती है। इन सबके मिश्रण को आग की गैस या गॉब स्टिंग कहते हैं। यह बहुत ही विषैली होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जो जब खान में स्वतः कोयले में आग लगती है, उससे ये गैस बनती है। आग की गैस की उपस्थिति कैसे मालूम होती है? तो ईंट पकाते समय ईंट के भट्टे से निकलने वाली गंध जैसी गंध गोफ के रिटर्न साइड में मिलने से आग की गैस की उपस्थिति मालूम होती है। ऐसी गंध एक बार सूंघ लेने पे ये भुलाई नहीं जाती, इसलिए ये बड़ी आसानी से इसकी पहचान हो जाती है। अगला टॉपिक है विस्फोट जनित गैस या आफ्टर डैम्प, जिसे हम कहते हैं। विस्फोट जनित गैस क्या होती है? गर्म गैस या कोल्ड डस्ट का विस्फोट होने पर खान में पाई जाने वाली गैसों के मिश्रण को विस्फोट जनित गैस कहते हैं, या हम आफ्टर डैम्प भी इसे कहते हैं। इसमें खूनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गर्म गैस, विस्फोट के बाद बची हुई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कुछ हाइड्रोजन भी होती है। मतलब कि कोई भी गैस जब बच जाती है, जो विस्फोट के बाद जो बची हुई गैसें होती है या मिश्रण जो गैसें होती है, इसे हम आफ्टर डैम गैस कहते हैं। इन गैसों की मात्रा निश्चित नहीं होती है, क्योंकि वह विस्फोट के समय मौजूद हालात पर निर्भर करती है। परंतु विस्फोट जनित गैस में 1-8% या उससे भी अधिक खूनी गैस होती है। उसमें कुछ पोचा गैस भी होती है, जिसे हम H2S भी कहते हैं। फलस्वरूप ये बहुत ही विषैली होती है। उसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। विस्फोट जनित गैस की बनावट किन बातों पर निर्भर करती है? यदि गर्म गैस के विस्फोट में दहन, जिसे कंबशन कहते हैं, संपूर्ण हो तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प बनेगी। परंतु अक्सर दहन क्रिया जो है वो पूरी नहीं होती है, ये संपूर्ण नहीं होती है, जिसके कारण उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे खूनी गैस कहते हैं, ये 1-8% होती है। कई बार यह दहन क्रिया इतनी अपूर्ण होती है, इतनी अधूरी होती है कि 5% तक इसमें हाइड्रोजन भी होती है। आफ्टर डैम का मुख्य भाग लगभग 80% नाइट्रोजन व कुछ बची हुई, जिसे रेसिड्यूअल ऑक्सीजन कहते हैं। यदि कोल्ड डस्ट विस्फोट में भाग लेती है तो खूनी गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है। कुछ गर्म गैस बची हुई या कोल्ड डस्ट से भी बनी हुई होती है। इस प्रकार विस्फोट जनित गैस में खूनी गैस CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, गर्म गैस CH4, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 व नाइट्रोजन N2 मिल सकती है, लेकिन इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है और इसकी बनावट विस्फोट के बाद वेंटिलेशन चालू रहने से बदलती भी रहती है। आफ्टर डैम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है? आफ्टर डैम में खूनी गैस की मौजूदगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति थोड़ी ही देर में मर जाता है। सेल्फ रेस्क्यूअर लगाकर बच निकलना चाहिए यहां से हमें। विस्फोट जनित गैस या आफ्टर डैम की जांच कैसे की जाती है? तो खान में विस्फोट हो जाने पर जांच रेस्क्यू पार्टी ही कर सकती है। वह खूनी गैस की जांच के लिए मुनिया चिड़िया तथा ऑक्सीजन की कमी व गर्म गैस की उपस्थिति की जांच के लिए तेल सेफ्टी बत्ती और जांच यंत्र ले जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अब मुनिया चिड़िया का प्रयोग हम नहीं करते हैं। रेस्क्यू पार्टी खान की हवा का सैंपल भी लेती है, जिसके विश्लेषण से सही सही जानकारी मिलती है। तो यहाँ ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3, जो कि है सेफ्टी लैंप की बनावट के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू।